नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। होप्स हो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आपकी फर्स्ट कट ऑफ कब आने वाली है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज के लिए, यानी कि जिन भी स्टूडेंट ने सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपनी पहली कट ऑफ को कब रिलीज़ करेगा। तो अभी तक जैसा कि चलता आ रहा था, 31st को हमारे रजिस्ट्रेशन क्लोज हुए थे। उसके बाद ऐसा आपसे कहा जा रहा था, मतलब मेरे थ्रू ही कहा गया था, बाकी अदर जितने भी चैनल हैं सब यही बता रहे थे कि आपकी 10 तारीख तक कट ऑफ आ जाएगी किसी भी हालत में। लेकिन भैया आपको बता दूं, ये सारी जो प्रोसेस मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखी है कि जैसे लिस्टिंग होती है रजिस्ट्रेशन के बाद आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को लिस्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को लिस्टिंग कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों में फिर इसके बाद जो है आपका सारा जो डाटा है डिपार्टमेंट्स को भेजा जाता है, आपका जो भी चीज़ें होती हैं प्रवेश भवन पर आपकी जो जैसे कि आपका जो NTA वाला जो आपका ऑफिशियल डेटा है उसको भी पूरा रीचेक किया जाता है। तो इन सारी प्रोसेस में देखिए भैया टाइम लगता है। तो अभी के लिए यही है, आपकी 10 तारीख तक आपकी कट ऑफ आ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो अपडेट मिली है रिसेंट अपडेट के हिसाब से आपकी जो है 10 तारीख के बाद ही आपकी जो है फर्स्ट कट ऑफ को रिलीज़ किया जाएगा। एंड जैसे कि 10 से 15 के बीच हम एक्सपेक्टेड लेके चल सकते हैं। जो भी हर बार अपडेट मिलती है, जैसे ही नई अपडेट मिलती है उसकी अपडेट के उस अपडेट के बेसिस पे ही ये वीडियो बनाई जाती है, एंड उसी अपडेट के बेसिस पे आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। तो अब आप लोग ये मत कहने लगिए कि आप हमेशा चेंज होती रहती हैं, ये जो हमको ऊपर से अपडेट मिलती है ये उसी के बेसिस पर वीडियो बनाई जाती है। जैसे कल के दिन हमको कुछ और अपडेट मिलेगी तो हम सेम चीज़ आपको वही बताएंगे इंटरप्रेटेड करके इस वीडियो के थ्रू। तो यही चीज़ है कि आपकी जो कट ऑफ है 10 से 15 तारीख के बीच में कभी भी अपलोड हो सकती है ऑफिशियल वेबसाइट पे। कट ऑफ को कैसे चेक करना है उनसे रिलेटेड भी मैं आपको एक वीडियो लाऊंगी। जैसे कि अभी PG वालों की काउंसलिंग लगातार चल ही रही है, वहाँ भी काफ़ी डाउट आ रहे हैं। बट अभी फ़िलहाल यही है कि पहले आपकी मेन कैंपस की फ़र्स्ट कट ऑफ आनी है। मेन कैंपस की जब 2 से 3 कट ऑफ आ जाएंगी या 3 से 4 कट ऑफ आएंगी तो उसके बाद ही जो आपका है एफिलिएटेड कॉलेजेस की कट ऑफ आना स्टार्ट होंगी। तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल परेशान मत हुई कि एफिलिएटेड कॉलेजेस की कट ऑफ कब आएगी। रही बात टाइमिंग की कि आपका जैसे अभी तक आपकी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू नहीं हुई है, तो सितंबर की आप मान के चल सकते हैं कि आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है यानी कि कट ऑफ आपकी कब से कब तक आएंगी। 10 तारीख के बाद से कभी भी आपकी जो है कट ऑफ को रिलीज़ किया जा सकता है। एंड 10 सितंबर से लेके आपकी 10 से 15 अगस्त, मतलब लगभग एक महीना मान के चलिए कि आपकी पूरी काउंसलिंग और कट ऑफ ये और आपकी जो है कट ऑफ एंड काउंसलिंग वाली प्रोसेस लगातार चलती रहती है। एंड धीरे धीरे करके सारे अफिलेटेड कॉलेजेस की लास्ट तक कट ऑफ आती रहती है क्योंकि उनकी सीट्स काफ़ी वैकेंट रह जाती हैं। तो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।